नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बीएसएफ जवान अजीत कुमार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। काराका प्रखंड क्षेत्र के सिकरिया पंचायत के दहियाड़ी गांव में बीएसएफ जवान अजीत कुमार के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनके शव यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि शुक्रवार को बीएसएफ जवान अजीत कुमार की मौत हो गई थी। मौत उस समय हुई थी जब वे तुतला भवानी मंदिर से मन्नत पूरी कर बस से गांव आ रहे थे। तभी बसंत बिगहा गांव के समीप बस पलट गई जिसमें वह जख्मी हो गए थे। जख्मी हालत में उन्हें इलाज के लिए ले बनारस ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद गांव में चित्कार मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है। गांव में गम का माहौल कायम है। सभी की आंखों में गम के आंसू थे। उनके अंतिम शव यात्रा में पुलिस प्रशासन से लेकर बीएसएफ के अधिकारी व जवान शामिल रहे। शव यात्रा में लोगों ने अजीत कुमार अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। बीएसएफ जवान अजीत कुमार को हजारीबाग रेजिमेंट बीएसएफ कमांडेंट एचके महापात्रा के नेतृत्व में सलामी दी गई। 3 राउंड फायरिंग कर उन्हें सलामी दी गई। बीएसएफ के कमांडेंट एचके महापात्रा ने उनके शव को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं बीएसएफ के अधिकारियों में एचसी दिवाकर कुमार, मनोज कुमार सहित 12 जवानों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ जवान अजीत कुमार के छोटे भाई रंजीत कुमार ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के अवसर पर दोनों पुत्री 3 वर्षीय अर्जिता, 8 माह की पुत्री अनन्या व पिता सुरेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन रही मौजूद। बीएसएफ जवान अजीत कुमार के दहियाड़ी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर विक्रमगंज एसडीपीओ शशि भूषण सिंह, नासरीगंज सकिल इंस्पेक्टर दयानंद शर्मा, काराका थानाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद, एसआई मुकेश कुमार, ग्राम पंचायत सिकरिया मुखिया सुनील कुमार सिंह, जिला पार्षद काराका 23 उमेश कुमार सिंह व पुलिस बल मौजूद थे। स्थानीय अधिकारी की अनुपस्थिति से लोगों में आक्रोश। काराका प्रखंड के बीडीओ वसीओ की अनुपस्थिति से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त था। ग्रामीणों से लेकर सभी लोगों के बीच चर्चा थी कि स्थानीय अधिकारी बीडीओ वसीओ दहियाड़ी गांव में जब से घटना हुई है तब से एक बार भी देखने तक नहीं आए। इस तरह के अधिकारी का यहां रहना ही नहीं चाहिए। जब हजारीबाग से बीएसएफ के अधिकारी व कंपनी कमांडर व बीएसएफ के जवान आ सकते हैं तो ये प्रखंड के स्थानीय अधिकारी होकर नहीं आना इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त। राम नाम सत्य। Thank you.
अरे बबू हिम्मत खत्म कर बोलो। अरे बबू का जगह चल गए रे बबू। अंदर भी तू हिम्मत रखो नहीं मत तू बोल दे ढेर आदमी के टूट गए। हां भैया सच है राम नाम 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 सच है।